नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 10 नेशन। फिलहाल वो सोचा है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर के अखंड नगर क्षेत्र में कलान चौराहे पर एक तेज रफ्तार इनोवा और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। अमेठी में थाना संग्रामपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुराचार में वांछित जितेंद्र कुमार कोरी को पंचायत भवन कस्बा टिकर माफी के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। अमेठी में थाना बाजार शुक्ल पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोवध निवारण अधिनियम में वांछित मोहम्मद राशिद उर्फ कल्लू को मदार निवासगढ़ गाँव के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वही बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचे के साथ एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। अमेठी में थाना संग्रामपुर क्षेत्र के भौसेपुर में रहने वाला एक युवक आतिशबाजी के दौरान झुलस गया। आनंद फानन में युवक को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज हो रहा है। अमेठी में थाना जामु क्षेत्र के भवानीगढ़ राजामऊ में अस्पताल जा रही एक नाबालिग लड़की की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बाराबंकी में दीपावली के दिन पुलिस ने मसौली, मोहम्मदपुर खाला और दरियाबाद से 15 जुआरियों को पकड़ा है। वहीं मौके से करीब 15,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मसौली ओवरब्रिज के पास एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ तहसील के मिल कॉलोनी में बने गौशाला से एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे गौशाला में 2 दर्जन से अधिक गाय मरी पड़ी हैं, लेकिन अधिकारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं।